हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा रिव्यू। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पा के रिलीज डेट पर और कास्टिंग के ऊपर में बात करेंगे। उसके पहले आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री एक के बाद एक धमाका करते जा रहा है, वो भी फेस्टिवल्स पे, हॉलीडेज पे। और इस बार हमारा सुपरस्टार, स्टाइलिश स्टार, डांसिंग स्टार अल्लू अर्जुन भी धमाका करने वाला है उनके पुष्पा मूवी के साथ। और ये मूवी हिंदी पे भी रिलीज़ होगी, जिसका कि बजट 100 करोड़ का है और पैन इंडिया मूवी है। और इसको 5 लैंग्वेज पे रिलीज़ किया जाएगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कनाडा। और इसका कास्टिंग के ऊपर आ जाए तो इस पर लीड रोल पे दिखेगी रश्मिका मंदाना, जो कि एक नेशनल क्रश है इंडिया का। और उसके बाद अल्लू अर्जुन खुद है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सुकुमार डायरेक्टर, जो कि अल्लू अर्जुन के साथ आर्या 1 और आर्या 2 दे चुके हैं धमाकेदार मूवीज़। और कल इसका पोस्टर आया था, जो कि अल्लू अर्जुन खुद थे वो पोस्टर में, एक दमदार लुक के साथ। उनका जो बियर्ड था और उनका जो लुक था, उनका जो आँख का जो ये था, जो गुस्सा था, वो एकदम ज़बरदस्त था। और उसके बाद ये एक्शन पीरियड ड्रामा होने वाला है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकता है। और इसके रिलीज डेट पर आ जाए तो ये 13 अगस्त को रिलीज़ किया जाएगा 2021, जो कि इंडिपेंडेंस के 2 दिन पहले। और ये इंडिया में एक ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाला है, जिसके रिलीज़ होते कि इंडिया पहला दिन में ये एटलीस्ट 70 करोड़ के आसपास कमा लेगा। ऑलरेडी इंडिया में ये मूवी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, जो कि पहले दिन में ही ये मूवी को ऑलमोस्ट 60 से 70 करोड़ मिल जाएंगे। और जाते जाते मैं आपको ये बोलूँगा कि ये मूवी के लिए आप लोग कितना क्रेज़ है, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन बाय, थैंक यू।